अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने पहले हिस्से में देखे थे कि संत एकनाथ जो हैं उनकी संतवाणी किस ताल्लुक़ से है। तो आज जो है हम उसके बारे में पूरे तारुफ और जानकारी हासिल करेंगे। तो देखो, इस संतवाणी जो है अभंग का हिस्सा है, जिसको अभंग गाथा कहा गया। संत एकनाथ जो है इनकी अभंग गाथा में से लिया गया और इसे शाय किए हुए डॉक्टर आर ररा गोसावी इन्होंने। तो देखो, इसका भावार्थ हम पहले देख लेंगे। इस अभंग में क्या दिया गया है, तो देखो उसके भावार्थ में जो क्या दिया गया है, आई आपल्या बाळाला नितांत बाळावर नितांत माया असते। आईची आपल्या बाळावर नितांत माया असते। बाळाशी ती एवढी एकरूप झालेली असते की त्याची इच्छा त्याने न सांगताच तिला कळते। बाळाचे बोबडे बोल ऐकून मातेला अंतःकरणापासून अतिशय आनंद होतो। माता आपल्या बाळाचे सर्व हट्ट पूर्ण करते। संत एकनाथ महाराज यांना आपले गुरु जनार्दन स्वामी यांच्या ठिकाणी मातेचे वात्सल्य अनुभवास येते। संत एकनाथ महाराज म्हणतात की गुरु जनार्दनाचे आपल्याबद्दलचे ममतत्व हे मातेच्या वात्सल्यासारखे सखोल आणि अंतःकरणापासून आहे। सद्गुरु जणू माऊलीच आहेत, त्यांचे प्रेम अवलौकिक आहे। याने मानव अवलौकिक से मुराद जो है मानव दुसरे जैसी मोहब्बत जो है उनके अंदर नहीं दिखाई देती, एक बिनतिया मोहब्बत जो उनके अंदर दिखाई देती। तो जो इसमें जो है जो संत एकनाथ महाराज जो कहना चाहते हैं अपने छंद में, तो हमसे लाइन टू लाइन अभी हम देखेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, अब पहली लाइन में क्या गया, बाळाचे छंद जान। यानी मानो जो है बाळाचे छंद जान, यानी मुराद जो है मानो क्या कहा गया यहाँ पर कि जो है माँ जिस तरीके से अपने बच्चों के जिद को पूरा करती है, हर जिद को पूरा करने की कोशिश करती है, उसी तरीके से जो है उस्ताद जो अपने शागिर्द का जो है हर जो है जिद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर कहा गया बाळाचे छंद जान माता पूर्वीते आपण, यानी माँ जो है क्या करती है, यानी मानो हर जिद को पूरा करने की कोशिश करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आगे लिखा गया है कि बोबड़े बोल बोलता ते बोल माते आनंद सखोल। यानी मानो जब बच्चा, नन्ना सा बच्चा जब जो है बोबड़े बोल बोलता, यानी वो अपनी तोतली जबान से, लुकनत वाली जबान से जब कोई अल्फाज बोलता है, तब जो है माँ को बे इंतहा मोहब्बत अपने बच्चे पर आती है, अपने लाडले पर आती है, अपनी लाडली पर आती है। माते आनंद सकोल के उसको जो है दिल की गहराई से खुशी मिलती है। आगे क्या कहा गया, मागे जेते दे आपन आड़ पूर्वी तैसी देव। यानी माँ जो है जो दे सकती है, उसकी जिद को पूरा कर सकती है, वो हर चीज़ की जिद जो है अपने बच्चे के, अपने लाडले के, अपनी लाडली की पूरा करने की कोशिश करती है। सबसे आखिर में क्या कहा गया, एका जनार्दनी ममतत्व ते नोहे लौकिका पूरी ते। यानी यहाँ पर जो है हमको जो संत एकनाथ महाराज कहना चाहते हैं अपने प्रवचन में, जो है अपने इस्लाही बयान के अंदर कहना चाहते इस अभंग के ज़रिए से, के जो है संत जनार्दन महाराज जो है संत एकनाथ के जो है शागिर्द है, उस्ताद है, और संत एकनाथ जो है उनके जो है मानो शागिर्द है, शागिर्द है। तो जो है वो ऐसी मोहब्बत करते जिस तरीके से एक माँ जो है अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। तो मानो यहाँ पर ये समझाया गया है कि एक माँ में और एक बच्चे में, उसके औलाद में जिस तरीके से एक जो है दिल की गहराई से जो मोहब्बत होती है, जो बेइंतहा मोहब्बत होती है, उसका नमूना जो है यहाँ पर बताया गया है। और वैसी मोहब्बत जो है यहाँ पर कहा गया कि एक उस्ताद में और एक जो है शागिर्द में है,
ऐसे संत एकनाथ महाराज का कहना इस अभंग के जरिए से हमको बताया गया है।